नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हार्डवेयर स्टोर बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप हार्डवेयर स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए या फिर कितना बड़ा गोडाउन होना चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपको हार्डवेयर स्टोर के लिए सस्ते रेट में प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे और आपको इस बिजनेस के अंदर पर प्रोडक्ट के हिसाब से कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा या फिर आपको प्रति महीना कितनी कमाई इस बिजनेस के अंदर हो सकती है, ये सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर स्टोर बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, यदि हार्डवेयर स्टोर बिजनेस की बात करें तो हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक विकासशील देश है और यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे घर बन रहे हैं, ऑफिस बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है। और दोस्तों, घर बनाते समय फर्नीचर का काम भी होता है, कारपेंटर का काम भी होता है, पेंटर का काम भी होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम भी होता है, इसलिए बहुत सारे सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे तार, पाइप, पेच, नट, बोल्ट, हथौड़ा, कील, प्लास, ऐसे बहुत से सामान की जरूरत घर बनाने के लिए पड़ती है। और दोस्तों, यह सब भी सामान हार्डवेयर स्टोर के अंडर आता है, इसलिए आज हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस इतने बड़े लेवल पर हो रहा है और बहुत से लोग हार्डवेयर स्टोर बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमा रहे हैं। और दोस्तों, यह बिजनेस कभी कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे घरों की डिमांड भी बढ़ेगी, ऑफिस की डिमांड भी बढ़ेगी और हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकता है और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, एक गोडाउन होना चाहिए और आपके पास अपनी शॉप का GST नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, आपके पास एक या दो वर्कर होने चाहिए और एक व्हीकल होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी शॉप और आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों आपके पास खुद की शॉप है और खुद का गोडाउन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप एक शॉप और गोडाउन किराए पर लेते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों आप ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और आप थोड़े से प्रोडक्ट के साथ छोटी शॉप के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आपके पास खुद की शॉप है और खुद का गोडाउन है और आप एक व्हीकल किराए पर लेते हैं और छोटे लेवल पर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को आराम से 2 से 5 लाख रुपए के बीच स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप शॉप और गोडाउन किराए पर लेते हैं या फिर खरीदते हैं तो दोस्तों आपको उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब भी आप यह बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, यदि आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो आप एक शॉप के साथ छोटा सा बिजनेस शुरू करें, और जब आपको इस बिजनेस के अच्छी खासी नॉलेज हो जाए और आपका बिजनेस जम जाए तो आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अपनी शॉप के अंदर रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए या फिर कितना बड़ा गोडाउन होना चाहिए। तो दोस्तों, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए, जहां पर आप अपने कस्टमर को हैंडल करेंगे और प्रोडक्ट दिखाएंगे, और आपके पास कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट का एक गोडाउन होना चाहिए जहां पर आप अपना स्टॉक रखेंगे। दोनों चीज़ों को मिलाकर दोस्तों, आपके पास 500 से 600 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 200 से 300 स्क्वायर फीट की शॉप के अंदर भी यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे से लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दी थी, आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर और GST नंबर होना चाहिए। और दोस्तों, GST नंबर बनवाने के लिए आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपने ID प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए, और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों, आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है,
और आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपना जीएसटी नंबर बनवा सकते हैं और हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हार्डवेयर स्टोर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, यानी आप हार्डवेयर स्टोर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट रख सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें हार्डवेयर स्टोर के अंदर बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं, जैसे जैसे फर्नीचर के प्रोडक्ट आते हैं, कारपेंटर के प्रोडक्ट आते हैं और पेंटर के प्रोडक्ट आते हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आते हैं और इलेक्ट्रीशियन के प्रोडक्ट आते हैं। ऐसे बहुत से प्रकार के प्रोडक्ट हार्डवेयर स्टोर के अंदर आते हैं। दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर सभी प्रकार के प्रोडक्ट की लिस्ट दी है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ दोस्तों आपको सभी प्रोडक्ट की लिस्ट मिल जाएगी कि आप अपने हार्डवेयर स्टोर के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट रख सकते हैं और कैसे उनको सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर हार्डवेयर स्टोर के प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें आप हार्डवेयर स्टोर के प्रोडक्ट दो जगह से खरीद सकते हैं। एक तो दोस्तों आप इंडिया की बहुत बड़ी बड़ी सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, इन सिटी की होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं। दोस्तों इन सिटी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी होलसेल मार्केट है जहाँ से आपको बहुत ही सस्ते रेट पर बल्क में हार्डवेयर स्टोर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप वहाँ से सस्ते रेट पर प्रोडक्ट खरीदकर अपने एरिया के अंदर होलसेल या फिर रिटेल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि दिल्ली की मार्केट की बात करें तो दिल्ली के अंदर दोस्तों सदर बाजार मार्केट, चांदनी चौक ऐसी बहुत सी मार्केट है जहाँ पर आपको सस्ते रेट पर हार्डवेयर स्टोर के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। आप वहाँ से खरीदें और अपने एरिया के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद की मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर सभी सिटी की लिस्ट दी है कि आपको सस्ते रेट पर हार्डवेयर स्टोर के प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप उन्हें खरीद सकते हैं और अपने एरिया के अंदर कितने रेट में आप बेच सकते हैं और कितनी कमाई कर सकते हैं। सभी जानकारी दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर दी है, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहाँ से दोस्तों आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि आप होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट ना खरीदना चाहें तो दोस्तों आप सीधा फैक्ट्रियों से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो हार्डवेयर स्टोर के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है। दोस्तों आज बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो नट बोल्ट, पिन, पाइप का प्रोडक्शन करती है। वहां से दोस्तों आप सस्ते रेट पर प्रोडक्ट खरीदकर अपने एरिया के अंदर होलसेल या फिर रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप दोनों जगह से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और अपना हार्डवेयर स्टोर ओपन करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों हमने कुछ अच्छी फैक्ट्रियों के कॉन्टैक्ट नंबर हमारी वेबसाइट के ऊपर दिए हैं, आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके फैक्ट्रियों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सीधे हार्डवेयर आइटम मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। तो दोस्तों यदि प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो आपको इस बिजनेस के अंदर पर प्रोडक्ट के हिसाब से आराम से 50-60% तक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा। क्यों दोस्तों, जब आप दिल्ली की मार्केट से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वहाँ दोस्तों आपको बहुत ही सस्ते रेट पर प्रोडक्ट मिल जाएंगे और आप वहाँ से सस्ते रेट पर बल्क में प्रोडक्ट खरीदकर अपने एरिया के अंदर आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप फैक्ट्रियों से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो दोस्तों वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ आपको मार्केट से भी सस्ते रेट पर प्रोडक्ट मिल जाएंगे और आप अपने एरिया के अंदर अपने हिसाब से रेट फिक्स करके उन्हें बेच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप हार्डवेयर स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर इस बिजनेस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको किस चीज़ पर कितना खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से आपको लोन मिलेगा, सब भी जानकारी दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।